अगर आप भी YouTube पे वीडियोस बनाते हो और अगर अभी तक आपने अपने YouTube चैनल का लोगो नहीं बनाया गाइस, तो फटाफट लोगो बना लीजिए, क्योंकि लोगो आपके चैनल को बहुत इम्पैक्ट करता है, आपके चैनल को ग्रो होने में काफी मदद करता है ये। क्योंकि गाइस वीडियो व्यूज के लिए लोगो होना बहुत ही जरूरी होता है। जैसे अगर कोई नया यूजर आपकी वीडियो पे आता है और एक बार आपकी वो वीडियो देखता है, अगर दूसरी बार अगर उसे आपकी वीडियो नहीं मिलती है, तो हो सकता है वो कहीं सजेशन में आपका लोगो देखकर आपकी वीडियो पहचान जाता है। तो आपको लोगो बनाना बहुत ही ज़रूरी होता है गाइस, और व्यूवर और यूज़र के लिए ये लोगो बहुत ही इम्पैक्ट करता है। और लोगो बनाना बहुत ही आसान है गाइस, मैं आपको 5 मिनट में आपको लोगो बनाकर बता देता हूँ कि आप किस प्रकार लोगो बना सकते हैं आप अपने यूट्यूब चैनल का। तो बिना देरी के चलते हैं, लोगो बनाते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपके भाई का नाम भी जान लीजिए। मेरा नाम है लोगन और आप देख रहे हैं इंटरेस्टिंग यूट्यूब चैनल टेक लोगन। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए गाइस, क्योंकि आपको यहाँ हर रोज नए नए कंटेंट मिलते रहते हैं। सो गाइस, सबसे पहले मैं आ जाता हूँ अपने काइन मास्टर एप्लीकेशन पर, जहाँ से अपन जो अपना यूट्यूब चैनल है उसका लोगो किस प्रकार बनाते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले क्रिएट नाउ पर क्लिक करते हैं, देन उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ से इमेज पर क्लिक करना है, और जैसे आप इमेज पर क्लिक करते हैं आपको कोई भी एक बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं ये बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लिया मैंने, और अब देन इसके बाद क्रॉस पे मैं क्लिक करता हूँ तो मैं बैक आ जाता हूँ। और जैसे मैं बैक आता हूँ तो उसके बाद आपको लेयर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ गाइस कि अगर आपके पास विदाउट वाटरमार्क काइन मास्टर नहीं है, अगर आपका लोगो आ रहा है काइन मास्टर का, तो आपको ऊपर आई बटन पे क्लिक करना है। और आई बटन पे जैसे आप क्लिक करते हैं आप मेरे पिछले वीडियो में चले जाएंगे, वहाँ से आप डिस्क्रिप्शन से वहाँ से लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं, और किस प्रकार डाउनलोड करना है या आप वीडियो में देख सकते हैं। तो उसके बाद आपको लेयर पर क्लिक करना है। जैसे आप लेयर पर क्लिक करते हैं आपको टेक्स्ट पर क्लिक करना है, और टेक्स्ट पर जैसे आप क्लिक करते हैं मैं अपने चैनल का लोगो देख लेता हूँ। और जो लोगो है वो मेरा जो पहले वाला लोगो, मैं उसको नहीं लूँगा, मैं कोई दूसरा लोगो बनाता हूँ अपने ही चैनल का। तो मैं टेक का टी ले लेता हूँ। तो जैसे टेक का टी लिया मैंने, इसका बड़ा कर दिया, इसको जूम कर दिया, और इसको मैं रोटेट कर देता हूँ, तो इसकी साइज़ में बड़ी कर देता हूँ। तो ये मैंने इसकी साइज़ बड़ी कर दी है, और मैं इसका फॉन्ट चेंज कर देता हूँ। ये मैंने इसका फॉन्ट चेंज कर देता हूँ, मैं इसका नोटो सरीफ बोल्ड ले लेता हूँ। तो ये मैंने इसका टी ले लिया है, और जैसे मैं इसका टी लेता हूँ अब देन इसके बाद मैं लोगों का एल सेलेक्ट कर लेता हूँ। अभी वापस लेयर पे आता हूँ, टेक्स्ट पे आता हूँ, और अभी एल में टेक्स्ट कर देता हूँ। एल हो गया, इसका भी मैं साइज़ बढ़ा देता हूँ। ये मैंने इसका साइज़ बढ़ा दिया है, आप चाहे तो इसे सीधा भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे टी को उल्टा कर दूँ, टी को आड़ा लेटा रहा हूँ और एल को मैं सीधा रख रहा हूँ। आप चाहे तो इसको यूं भी कर सकते हैं, इस प्रकार भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, ये भी अच्छा गाइस, लेकिन मैं इसको ऐसा ही रखूँगा। और इसका साइज़ थोड़ा बढ़ा देता हूँ मैं, ये मैं इसको इसी के साइज़ में रख देता हूँ। और इसका भी मैं फॉन्ट चेंज कर देता हूँ, और इसमें नोटो सरिफ बोल्ड कर देता हूँ। तो ये कुछ इस प्रकार हो गया, इसका फॉन्ट मैं चेंज कर देता हूँ, ये नहीं रखूँगा। तो इसका मैं नोटो सरिफ बोल्ड इटालिक ये मैं कर देता हूँ, या और दूसरा भी देख लेता हूँ कोई। ये ठीक है, तो मैं ये कर लेता हूँ, और अभी इनका कलर मैं चेंज कर लेता हूँ। तो कलर में सबसे पहले मैं कलर पे आता हूँ, तो मैं इसका कलर देख लेता हूँ। मैं ये कलर मैंने चूज़ कर लिया है, ये कलर रख लेता हूँ, और अभी टी का भी मैं कलर चेंज कर देता हूँ। तो टी का मैं रेड कलर ले लेता हूँ। तो ये कुछ इस प्रकार, वाह गाइस, ये तो अमेजिंग हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है ये। देन उसके बाद वापस से लेयर पे आना, लेयर पे आने के बाद आपको टेक्स्ट पे वापस आना है, और अभी आपको चैनल का पूरा नाम लिख देना है, टेक्स्ट लोगन, टेक्स्ट लोगन जैसे आप लिखते हैं, इसका थोड़ा सा साइज़ बड़ा करके आप अपने इसका नीचे ले आना है। ये कुछ ऐसा कर देना है, और इसका भी आप कलर चेंज कर देना है।
देन आपको येलो कलर सेलेक्ट कर लेना। तो मैंने येलो कलर सेलेक्ट कर लिया है, तो कुछ इस प्रकार का ही आपको ना, इसका मैं फॉन्ट भी चेंज कर देता हूँ। और ये कुछ इस प्रकार का मेरा टेक लोगोन का मैंने चैनल का नाम लिख दिया है, और इस पर और कुछ इस प्रकार मैंने अपने चैनल का नाम लिख दिया। देन उसके बाद आपको करना क्या गाइस, इसको मैं अच्छे से सेटल कर लेता हूँ। उसके बाद करना क्या गाइस, आपको लेयर पे जाना है, मीडिया पे जाना है आपको। और जैसे आप मीडिया पे जाते हैं, आप अपने फ़ोटो सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपके लोगो पे, जो भी आपके चैनल चैनल के प्रोफाइल पे लगी है, वो फ़ोटो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। और आपको कुछ इस प्रकार वो फ़ोटो यहाँ पे ले लेनी है। और देन उसके बाद आपको क्रॉप पे आना है। जैसे आप क्रॉप पे आते हैं, आप इसको क्रॉप कर लीजिए, जितना आपका फ़ोटो है उतना आप क्रॉप कर लीजिए। जैसे आप क्रॉप करते हैं, और इसका मेथड चेंज कर दीजिएगा, आप राउंड शेप में इसको ले लीजिएगा आप, या आपको जो भी शेप लगता है अच्छा लगता हो वो शेप ले लीजिएगा। तो मैं इसको राउंड शेप में ले लूँगा। देन उसके बाद आपको इसको छोटा करना है। छोटा करने के बाद आपको इसको यूँ कर देना है, फ़ोटो को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है, जहाँ पे भी आप करना चाहो। तो ये मैंने अपने फ़ोटो भी यहाँ पे एडजस्ट कर लिया, इसको थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ मैं। तो मैंने कुछ इस प्रकार से अपने फ़ोटो को ये एडजस्ट कर दिया है, तो ये आपका लोगो तैयार हो गया। देन उसके बाद आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो ये मैंने अपना स्क्रीनशॉट ले लिया है, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इसको क्रॉप कर सकते हैं वापस, और अपना किसी भी वीडियो में आप इसे टैग कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो इस प्रकार आप अपना यूट्यूब चैनल का लोगो बना सकते हैं गाइस, आप किसी भी प्रकार से बना सकते हैं। ये मैंने अपना लोगो बताया, और आप इसको आड़ा तिरछा टेढ़ा जैसा भी आप करना चाहो कर सकते हैं।